नमस्कार दोस्तों कंटेम्प्री वेस्टर्न फिलोसॉफी हम देख रहे थे और इसी क्रम में आज हम अपने डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं आपको मैंने तकरीबन कुछ क्वेश्चंस भेजे थे लास्ट तीन या चार थिंग करके कुछ बच्चों के आंसर उस पर आए जिनका सॉल्यूशन उन्हें फोन पे मिल जाएगा जो बच्चे आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर आंसर राइटिंग करें अभी आपके पास समय है वरना फिर जब दिसंबर चला जाएगा हम्म तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे समय नहीं रहेगा आपके पास ध्यान रखिएगा इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कोशिश कीजिए डेली एक क्वेश्चन लिख दीजिए ज्यादा मत लिखिए और चाहे भेजिए मत अगर आपको लगता है कि मुझे आंसर नहीं भेजना है मैं तो अपने आप में सेटिस्फाई हो जाऊंगा चेक कर लूंगा खुद ही वो कर लीजिए कोई इश्यू नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि आप दिखते रहें उससे फायदा यह होगा कि आपके जो डर है जो झिझक है आंसर राइटिंग की वो दूर हो जाएगी और अपना जो मेन मोटिव है क्या आपके आंसर की जो स्किल्स है उसको सुधार करना वो आपको अपने आप फील हो जाएगा कि हाँ मेरा सुधार हो रहा है उसमें दैट्स इट और अपना कोई इश्यू है नहीं थिंकर है आपके क्वाइन डब्ल्यू पी ओ क्वाइन ठीक है, दिख नहीं रहा था आपको आई थिंक अब ठीक है हमने वेस्टर्न फिलोसॉफी में ऑलमोस्ट जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने प्लेटो एरिस्टोटल एक सेक्शन देखा था इम्प्रिजिज्म का दूसरा सेक्शन देखा था जहां पर आपके लॉक वर्कले ह्यूम हुआ करते थे रैशनलिस्ट का एक और सेक्शन देखा था जहां पर डिकॉर्डा लिपडिट्स हुआ करते थे उसके बाद हमने कांट और हीगल को पढ़ा था ये आपका सिलेबस का नॉर्मल मॉड्यूल था यूपीएससी बता दिया शुरू हमने किया एक शब्द से जिसका नाम है अनुभववाद या इसको हम इम्प्रेसिस्ट जिसको कहते हैं जिसको हम जिसको कहते हैं अनुभववाद व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रेसिज्म और अनुभववाद अनुभववाद किस कंसेप्ट पे खड़ा था अनुभववाद का कंसेप्ट था कि जो नॉलेज होती है वो हेल्प ऑफ सेंसेस होती है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है ठीक है अनुभववाद का आधार था यह अनुभववाद का बेस था इंद्रियों के माध्यम से लॉक ने कहानी शुरू की बर्कले ने ईश्वर को जोड़कर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया खुद को ही खुद को ही क्रिटिसाइज किया उसने कैसे हम कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियों से होता है बर्कले कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं बोले तो आपको ईश्वर का अनुभव कैसे हुआ इसका जवाब उसके पास नहीं था ह्यूम जब आता है तो ह्यूम को हम कहते हैं द प्योर इंप्रेसिस्ट फिलोसफर शुद्ध अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम ने कहा हम ईश्वर जैसे किसी चीज को नहीं जान सकते क्योंकि इंद्रियां वहां तक नहीं पहुँचती। पहुंचती है शब्द उसने पकड़ा रीच पहुंचना उसने कहा, सीमित है अनुभववाद लिमिटेड है लिमिटेड होने के कारण यह हमें ज्ञान नहीं दे सकता अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो इंद्रियों से आपको कभी प्रॉपर नॉलेज नहीं इतना ईमानदार और इतना शुद्ध वास्तविक ज्ञानी कोई नहीं हुआ फिलोसॉफी में जो ये कह सके कि मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो अधूरी है बहुत तो ये था आपका शुरू करते हैं पॉइंट को या अनुभववाद वेस्टर्न फिलोसॉफी का एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है हमेशा हालांकि फ्यूचर के अंदर इसकी बहुत सारी कमियां भी सामने आने लगी

प्लेटो ने किसी जमाने में बहुत कुछ कहा था लेकिन अब वो हीगल का जना है तो हीगल समझाएगा प्लेटो ने क्या समझाया है तब लोग कहेंगे अच्छा ये समझाया है फिर उस कहानी को कोई और आगे लेके जाएगा फिर एक आपके मूर आएंगे फिर रसल आएंगे फिटीन आएंगे, आएंगे सात्र आएंगे आईटेगर आएंगे वाइन आएंगे मीन्स ये एक परंपरा बन गई एक आधार बन गया एक नियम बन गया कि एक नया फिलॉसफर जो भी आएगा उसका एक काम तो ये हमेशा रहने वाला है द प्योरिफिकेशन ऑफ और प्योरिफिकेशन इन देंशियंट थ्योरीज उसमें शुद्धता लाई जाए शुद्धता मतलब अगर इस लंबे गैप में कुछ गलतियां उसमें आ गई हो हमने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो तो हम उन चीजों को खत्म करें और उसको फिर से मार्केट के अंदर लेके आए वो तो फिर से हाइट के ऊपर लेके जाए ताकि लोग उसे देखें लोग उसे जाने लोग उसे समझें ये मोटिव रहा है हमेशा क्वाइन का भी लक्ष्य यही रहा साथ ही साथ क्वाइन ने दर्शन फिलॉसफी मैथमेटिक्स साइंस एक साथ मिलाया इन्हें और एक नया कंसेप्ट कुछ नया कंसेप्ट बनाने का प्रयास किया और इन तीनों के माध्यम से ही इन तीनों के मध्य इन तीनों के बीच में एक रिश्ता दिखाने का क्वाइन कोशिश कर रहा है बेसिकली साइंस का वर्किंग पैटर्न थोड़ा सा अलग है मैथ्स का वर्किंग पैटर्न अलग है फिलॉसफी का वर्किंग पैटर्न अलग है फिलॉसफी हाइपोथेटिकल चलता है थोड़ा सा साइंस और मैथ्स जो है प्रैक्टिकल चलने की कोशिश करते हैं यहाँ गलती की संभावना नहीं है फिलोसफी है हाइपोथेटिकल है यहां गलतियां भी होती है। तो कहीं ना कहीं फिलोसॉफी गणित की जैसा हो कहीं ना कहीं फिलोसफी साइंस के जैसा हो कहीं ना कहीं गणित फिलासॉफी के जैसा हो कहीं ना कहीं साइंस फिलासॉफी के जैसा हो इन सब चीजों को उसने एड ऑन करने की कोशिश की फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट एंसटीन का आपने नाम सुना होगा फादर ऑफ मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए कहा जाता था कि एल्बर्ट आइंस्टीन इज नॉट अ फिजिसियस्ट ये कोई भौतिक वैज्ञानिक नहीं है एल्बर्ट आइंस्टीन इज जस्ट अ फिलोसफर ये तो एक दार्शनिक है कुछ भी बोलता है है? लेकिन ऐसा नहीं था वो फिजिसिस्ट ही थे इनफैक्ट अगर आप हायर स्टडीज साइंस के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपकी साइंस फिलासफी की तरह चलती है फिजिक्स की तरह नहीं चलती है ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है मैंने पढ़ा है इन चीजों को अनुभववाद के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ करते थे विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ठीक है अब बेसिक कंसेप्ट ये था बेसिक फंडा ये था बेसिक फेनोमेना ये था कि जो एक कंसेप्ट थे वेस्टर्न वर्ल्ड के जो एक कंसेप्ट हुआ करते थे कंसेप्ट क्या थे ये कंसेप्ट आके कहना क्या चाहते थे अनुभववाद में आपने देखा अनुभववाद में हमने एक चीज देखने की कोशिश की कि, आ, कि ज्ञान होता कैसे है ठीक है ज्ञान होता कैसे है उसका जवाब हमें लॉक ने दिया कि ज्ञान होने का तरीका यह है ज्ञान इंद्रियों से होता है लेकिन उसी के अंदर उसी ज्ञान के अंदर या मैं कहूं उसी अनुभववाद के अंदर आपका जो दो कंसेप्ट और थे विश्लेषणात्मक पहला था विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक को हम कैसे करें विश्लेषणात्मक को अगर मैं इसकी इंग्लिश बताऊं तो आप बहुत इजीली इसका चेक कर पाएंगे चीजों का विश्लेषण करना इसको हम कहते हैं एनालिसिस एनालिटिकल सिंथेटिक एनालिटिकल एंड सिंथेसिस मतलब संश्लेषणात्मक विश्लेषण हर चीज को खोल कर हम देखेंगे एनालिसिस करेंगे चीजों का और संश्लेषणात्मक सबको क्लब कर लेंगे एक साथ बिठा लेंगे और फिर बात करेंगे अनुभववाद के दो प्रमुख सिद्धांत थे वाक्यों में अंतर का सिद्धांत तथा वस्तु का इंद्रिय संवेदन में रूपांतरण का सिद्धांत वाक्यों के अंदर अंतर का सिद्धांत जो वर्डिंग है आपके जो शब्द है आपके उनके अंदर भी गैपिंग होती है गैपिंग इन द सेंस अगर मैं कहता हूं मैंने कहा गुड और मैंने कहा गुड गुड और गुड तो आप दोनों ही की है ये खाने वाला हो गया और ये अच्छा वाला हो गया वेरी गुड इसी बात है तो ये शब्दों के अंतर भी अंतर है वाक्यों के ऐसे, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होंगे उसमें भी अंतर आएंगे एक स्टेटमेंट कहेगा गुड बहुत अच्छा है और एक कहेगा गुड बहुत अच्छा है मैंने कहा गुड कैपिटल और एक ने कहा गुड कैपिटल कीप इट अप गुड उठाओ ठीक <laughs> तो वाक्यों के सेंटेंस के अंदर भी डिफरेंसेस होंगे और दूसरा वस्तु जो एक ऑब्जेक्ट बाहर आपको दिखाई दे रहा है इसका जो सेंसेशन है इसके अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब रूपांतरण होता है इसका थ्योरी ये दो थ्योरी ऐसी थी जो अनुभववाद के अंदर समझाई गई जिसने ये कहा कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का नॉलेज आखिर होता कैसे है आप उस नॉलेज को एक्सेप्ट कैसे करते हैं क्या नॉर्मली में गया और नॉलेज हो गया ऐसा हो जाएगा नहीं वाक्यों के अंदर अंतर पहला कंसेप्ट आता है वाक्यों के अंदर अंतर करना और दूसरा आता है जो आपकी ऑब्जेक्ट बाहर रखा गया है उसका आपकी इंद्रियों से कैसा सेंसेशन हो रहा है मान लीजिए आप सर्दी में हैं, बहुत ठंड है और बाहर आइसक्रीम का ठेला खड़ा है तो आपको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि आइसक्रीम नहीं खाऊंगा वहीं पर अगर एक सूप वाला खड़ा है जो गर्मा गर्म टमाटर का सूप दे रहा है तो आप यार सूप खाने का मन है मेरा आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी भूख बना ली अपना मन बना लिया अपना मूड बना लिया वहीं पर उल्टा करूं गर्मी का भरी गर्मी का मौसम है बाहर वही आइसक्रीम वाला और वही सूप वाला खड़ा है तो अब आप क्या करेंगे अब आप सूप नहीं आइसक्रीम खाएंगे कहने का तात्पर्य आपके जो सेंसेस हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उसी रिलेशन के कारण उस ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म होता है आपके माइंड के अंदर जिसके रिगार्डिंग आप उसकी प्रायोरिटी उसका यूज वो क्या है वो क्यों है वहां पर क्यों है आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वॉट एवर सारी नॉलेज आप उसी के रिगार्डिंग वहां पर कर पाते हैं ये दोनों अनुभववाद को आधार प्रदान करते हैं यही क्वाइन का मानना है कि ये दोनों ही सिद्धांत वास्तव में रियल नहीं है क्वाइन ने तो यहां तक कह दिया कि ये सुपरस्टिशियस थ्योरी ऑफ इंप्रेसिज्म है ये अंधविश्वास के सिद्धांत हैं अंधविश्वास मतलब इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता केवल उस पर फेत करके बैठे हैं और कुछ नहीं है। आप किससे पूछ लीजिए कि सेंसेशन कैसे होगा उसका जवाब नहीं है आप किससे पूछिए सेंटेंस के बीच में गैपिंग कैसे होगी उसका जवाब किसी के पास नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमारे पास लॉजिक्स नहीं है और हम सिर्फ डिस्कस किए जा रहे हैं ये चीज गलत है अकॉर्डिंग टू क्वाइंट क्योंकि क्वाइन कहता है इनको एक्सेप्ट करने का कोई बेस नहीं है यह केवल ऐसी हाइपोथेसिस है ऐसी धारणाएं हैं जो अनुभववादियों को आधार प्रदान करती है लेकिन रियल में अगर मैं देखूं तो ये इन्हें आधार प्रदान नहीं करती है ये केवल प्रतीत होती है फील होती है कि ये मेरा बेस है वास्तव में आपका ऐसा बेस होना ही नहीं चाहिए फिर से मैं एक बार ऊपर आता हूं अभी मैंने आपको बताया क्वाइन का मोटिव है फिलॉसफी मैथमेटिक्स और साइंस के बेस पे बात करना उसके बाद मैंने आपसे कहा गणित और विज्ञान इनके चलने की अलग रफ्तार है यहां श्योरिटी होती है यहां निश्चितता है यहां अगर दो प्लस दो चार है तो वो पूरी दुनिया में चार ही है उसके अंदर पांच कोई नहीं कर सकता अगर हर वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है इसमें कोई दो राय नहीं है इसी को हम सार्वभौमिक द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ साइंस कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं होगी बात खता इसे कहते हैं बेस ऑफ सब्जेक्ट किसी विषय का आधार इसे कहते हैं जिसको हिलाया ना जा सके क्वाइन इसलिए कह रहा है कि जिसको आप आधार मान रहे हैं वो ऐसा आधार है कि उसे क्वाइन जैसा कोई व्यक्ति चैलेंज कर सकता इटमीन्स वो बेस है ही नहीं है ये कंसेप्ट जो है अधूरे कंसेप्ट है स्वयं आधारहीन कंसेप्ट है क्वाइन ने इनका खंडन किया इन स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया कि विश्लेषणात्मक जिसको हमने एनालिटिकल कहा सिंथेटिक कहा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक जो वाक्य हैं इनके अंदर जो गैप बताया जा रहा है उसको इन्होंने पहले क्रिटिसाइज किया अनुभववादी दार्शनिक प्रणाली या भाषाई तत्व या भाषेंतर तत्वों के अंतरंतर करते हैं भाषाई तत्व जिस लैंग्वेज के अंदर जिन एलिमेंट्स का यूज किया जा रहा है भाषा के वो सारे तत्व और भाषा के जो डिफ्रेंसेस किए जा रहे हैं वो वाले तत्व अलग अलग होंगे मतलब मैंने कहा कि राम खाना खाएगा ये मैंने देखा है देखा है खाना रखा हुआ है वो राम अभी आएगा खाना खा लेगा। तो भाषा ही तत्व राम खाना खाएगा और भाषा का जो अंतर आ रहा है कि वो खाएगा खा नहीं रहा है खाएगा फ्यूचर टेंस की मैं बात कर रहा हूँ भविष्य की बात कर रहा हूं तो इन दोनों में अंतर है ये क्या बात हुई क्वाइन भी यही कह रहा है ये क्या बात हुई एक ही है जबकि अनुभव आदि क्या कह रहे हैं कि राम खाना खाएगा ये अलग 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 चीजें हैं तो ये तो हो गया एनालिसिस करना क्या खाएगा क्यों खाएगा किस तरीके से खाएगा और संश्लेषणात्मक सिंथेटिक हो गया सबको मिलाकर मैंने बोल दिया राम खाना खाएगा तो अलग अलग हो गए क्वाइन कह रहे भैया क्या अलग अलग हो गए मैंने आपको फल की एक टोकरी दी जिसके अंदर तीन तरह के फल रखे हुए हैं आप उन तीनों फलों को अलग अलग रख देते हो और फिर कहते हो कि तीनों अलग अलग रखे हुए हैं तो ये एनालिसिस हो गया एनालिटिकल मेथड हो गया और जब मैंने इन तीनों को टोकरी में डाल दिया तो ये सिंथेटिक मेथड हो गया अरे भैया वो तीन ही फल है एक ही टोकरी है चार ही ऑब्जेक्ट है बात खत्म ये बेस नहीं होता लॉजिक नहीं है आपके पास विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है ऐसे वाक्य जो शब्द के अर्थ के आधार पर सत्य हो जो मीनिंग है आपके वर्ड्स का उसके बेस पर वो सही हो और जिसके अंदर कोई चेंज ना हो जबकि संश्लेषणात्मक ये वाक्य इंद्रिय संवेदन पर निर्भर करते हो आपके सेंसेशन के ऊपर इसमें चेंज हो सकता है जैसे मैंने कहा ना सबको कलेक्टिवली मैंने पढ़ा कि राम खाना खाएगा तो वो हो सकता है खाएगा नहीं भी खाए यार सीधी सी बात इसमें चेंज हो सकता है एनालिटिकल स्टेटमेंट्स में चेंज नहीं होता सिंथेटिक में चेंज होता है क्वाइन का कहना है सभी वाक्यों में एक बेसिक रिलेशन रहता है विश्लेषणात्मक वाक्य जिसको आप एनालिटिकल स्टेटमेंट्स कहते हैं ये भी आपका सेंसेस पे ही बेस्ड है ये जो डेफिनेशन है आपकी ये इम्प्रिजिज्म वाले दे रहे हैं इम्प्रिजिस्ट फिलोसफर दे रहे हैं क्वाइन नहीं दे रहा है ध्यान रखिए कंफ्यूज मत होइएगा एनालिटिकल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्वाइन ने नहीं दिया इम्प्रेसिस्ट ने दिया है सिंथेटिक का डेफिनेशन क्वाइन ने नहीं दिया है इम्प्रेसिस्ट ने दिया है क्वाइन अब इनको कॉट कर रहा है इनको कटाक्ष कर रहा है कि भैया जिसको आप एनालिटिकल स्टेटमेंट्स कह रहे हैं उसकी नॉलेज भी तो सेंस ही करेंगे वो क्या हमें परमात्मा करवाएगा नहीं उसकी भी नॉलेज सेंस ही करेंगे क्वाइन का कहना है सभी वाक्यों में परस्पर संबंध है विश्लेषणात्मक वाक्य भी इंद्रिय संवेदन पर ही आधारित है अर्थात विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक तो वास्तव में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इंटर रिलेटेड है इसी का तो मुझे एनालिसिस करना है उसी का मुझे सिंथेसिस करना है एक ही है इंटर रिलेटेड है जिस कंडीशन में आप एनालिसिस करते हैं उस कंडीशन में आप सिंथेसिस भी करना शुरू कर देते हैं जिस कंडीशन में आप विश्लेषण कर रहे हैं तब आप उसका एनालिसिस करना भी शुरू कर देते हैं जैसे देखिएगा ये एक, एक डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा छोटा सा ठीक है एक पेड़ सा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है ना ये पेड़ क्या कहना चाहता है यहाँ पर ये, ये संश्लेषणत्मक वाक्य अगर इसको मानो देखिएगा संश्लेषण सबको मैंने एक साथ जोड़ दिया तने की अनुपस्थिति में दोनों ही सत्ताओं का अस्तित्व नहीं रहेगा एक स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है ये हैं आपके पत्ते अलग अलग टहनिया सब कुछ है इस पेड़ के अंदर पत्ते और जड़े हो सकता है नजदीक ना हो लेकिन तने के माध्यम से जो इसका ये बेस है इसके माध्यम से दोनों का संबंध कहीं ना कहीं बना हुआ है अब अगर मैं इन पत्तों को इन टहनियों को मानू आपके सिंथेसिस स्टेटमेंट्स संश्लेषणात्मक वाक्य और इनके रूट जो है इसकी जड़े जो है उसको मानूं थोड़ा छोटा करता हूं डायग्राम इसको मैं अगर मानूं आपका एनालिटिकल स्टेटमेंट तो देखिए क्या मजेदार वाली बात बनती है अब ठीक है एक साथ पूरा डायग्राम आ जाएगा आपके सामने संश्लेषणात्मक वाक्य ये बहुत सारे पत्ते हैं एक साथ मैंने मिलाकर देख लिया एनालिसिस आपका हो गया आपका बेस आपका आधार जिसको मुझे एक-एक एनालिसिस करना पड़ेगा वो क्या है अब हो सकता है इंप्रिसिज्म मान रहा हो कि ये अलग है और ये अलग है अब आप खुद इस डायग्राम को देखकर बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड ऑब्जेक्ट नंबर टू क्या अलग अलग हो सकता है Point कहता है इम्पॉसिबल भले ही पत्ते देखने पर मुझे लग रहा हो कि मुझे पर रूट नहीं दिखाई दे रही भले ही रूट देखने पर मुझे लग रहा हो मुझे पत्ते दिखाई नहीं दे रहे बट इनके बीच में इंटर रिलेशन है अगर मैं एक को भी खत्म करता हूं तो उसका इंपैक्ट दूसरे पर पड़ेगा अगर मैं एक को बिल्कुल इग्नोर कर दूं तो दूसरा भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा अगर मुझे एनालिसिस को एग्जिस्टेंस में रहना है तो सिंथेसिस को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग नहीं है क्योंकि तो दोनों की नॉलेज मुझे सेंस से ही होती है इंद्रियों से ही होती है ये एक कॉमन फैक्ट है बहुत सारे डायग्राम बना दिए इसमें तो वेरी गुड टाइम मेरे ये नोट्स इंडिया के सबसे महंगे नोट्स हुआ करते थे नॉन सेंस वाली बात है वैसे तो जब बाकी सारे सभी के नोट्स जो हैं ऑनलाइन पांच सौ छह सौ रुपए के मिला करते थे तो मैं नोट तीन हजार रुपए के बेचा करता था और लोग बहुत लेते थे बहुत बहुत, बहुत।, बहुत। नोट्स नोट नोट आज तक ऐसा क्या है बाद में खुद ने देखा तो बहुत अच्छे बन गए संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक वाक्यों में केवल कहीं ना कहीं अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस है आपकी मात्रा का क्वांटिटिव डिफरेंस है वहां पर क्वालिटिव नहीं है क्वांटिटिव डिफरेंस है क्वांटिटी भी किस चीज पर अगर मैं पहाड़ को दस किलोमीटर दूर से देख रहा हूं तो पहाड़ छोटा दिखाई देगा पहाड़ को नजदीक से देख रहा हूं तो बहुत बड़ा दिखाई देगा ये डिफरेंस जो है आपका डिस्टेंस का है आपके उसके पास में बैठने का है आपके सेंसेशंस का है तो सेंसेशंस की जो आपका क्वांटिटी है उसका डिफरेंस है इसके अलावा और किसी का भी डिफ्रेंस ये नहीं है सेकेंड क्वाइन के द्वारा वस्तु के इंद्रिय संवेदन में जो रूपांतरण होता है जो आपका कन्वर्जन होता है या जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका भी इसने खंडन किया बस तो उसने किया स्टेटमेंट का सेकंड वो कर रहा है आपका कन्वर्जन का या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट टॉपिक है आज का देखिएगा अनुभववादी इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान को ही मौलिक रूप से सत्य मानने की कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान इंद्रियों से होता है सेंस से होता है वही एग्जैक्ट है वही ट्रूथ है वही सत्य है इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वही मौलिक रूप से सत्य कहलाता है ये लोग मानते थे और सभी वस्तुओं की रचना इसी के बेस पर हो जाती है ह्यूम के अनुसार जो वस्तुएं हैं जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो हमारे इंद्रिया जो हैं, उन्हीं के द्वारा क्लब करके इमेजिनेशन करके ये कहीं ना कहीं बनते हैं इंद्रिया ही इन्हें पहचानती है वरना इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, है इंद्रिय संवेदन अस्थायी होता है वह परिवर्तनशील होता है चेंजेबल है परमानेंट नहीं है कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि एक समय बाद चेंज हो जाएगा इनके आधार पर हम वस्तुओं की कोई व्याख्या कर ही नहीं सकते इंद्रिय संवेदन तो अस्थाई है परिवर्तनशील है मैं आपके सामने बहुत चिल्ड पानी रख के चला जाऊं और शाम को जब आऊं तो ये चिल्ड मिलेगा क्या नहीं गर्म हो जाएगा गर्म पानी रख के चला जाऊं तो गर्म मिलेगा क्या नहीं ठंडा हो जाएगा इट मीन मैंने आपसे कहा कि सुबह सुबह आपके घर घर में एक गुलाब का फूल खिला है इसका ध्यान रखिएगा दस दिन बाद आऊंगा ऐसे कैसे लेके जाऊंगा आप कहेंगे पागल है क्या सर दस दिन बाद तो खराब हो जाएगा क्यों ये क्योंबल है है ये तो। कह रहे हैं अगर ये सब चीजें मेरी सेंस बना रहे हैं मेरी इंद्रिया इसको बना रही है तो ये बदल क्यों रहे हैं और अगर ये बदल रहे हैं तो मतलब इंद्रिया नहीं बना रही है फिर बात है ठीक है तो इसके आधार पर हम वास्तव में वस्तुओं की कोई व्याख्या कर ही नहीं सकते केवल अनुभव ही भौतिक वस्तुओं का कारण नहीं है केवल इस फिजिकल वर्ल्ड का रीजन नहीं है बल्कि चिंतन का आधार भौतिक वस्तु है आप जो चिंतन कर रहे हैं आप जो एनालिसिस कर रहे हैं आप जो ज्ञान करने की कोशिश कर रहे हैं उसका बेस है ये सारी वस्तुएं यदि वस्तुएं नहीं होगी तो चिंतन ही नहीं होगा लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चिंतन नहीं होगा तो वस्तुएं नहीं होगी क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड मेरे एग्जिस्टेंस से पहले भी था और मेरे एग्जिस्टेंस के बाद भी होगा ये बात हमें दिमाग में रखनी है बस वास्तव में निरीक्षण वास्तव में वस्तुओं संबंधित वाक्य ही होता है इंद्रियों से नहीं आप किसी को जब देख रहे हैं विजिबल कर रहे हैं तो ये आपके वस्तुओं से रिलेटेड चीज हो गई कि वो वस्तु है तब देख रहे हैं Clear बात है। तो यहां पर वस्तुएं नहीं होगी तो सेंसेशन नहीं होगा और संवेदना नहीं होने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं ठीक है जैसे देखिएगा बनाए यह वस्तु का अनुभव हमें तभी हो सकता है जब वस्तु भी हो बिना वस्तु के इंद्रियों के द्वारा भी हम वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते वस्तु का ज्ञान होने के लिए वस्तु का एग्जिस्टेंस जरूरी है ठीक है तो रिमेनिंग छोटा सा बचा है आपका आमूल अनुभववाद और ये वो मैं कल करने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़ा सा अभी नेटवर्क इशू चल रहा है वीडियो बड़े वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद